आपका स्वागत है अपने चैनल में आर के कार ब्लॉग में। गाइस मैं आज आपको बताऊंगा जहां पर गाड़ी मोड़ने के लिए कम जगह होती है 90 डिग्री से, तो वहां पर गाड़ी मोड़ने में बहुत कठिनाई आती है, और जहां नॉर्मल काफ़ी ज़्यादा जगह होती है वहां आप आसानी से मोड़ सकते हैं। यानी कि जो ड्राइवर कम गाड़ी चलाना जानता है उनसे ऐसे मोड़ों पर गाड़ी मुड़ती नहीं। जैसे आप देख सकते हैं उस तरफ दीवार है और इस तरफ नाली आ जाती है साइड से, तो यहाँ पर क्या है गाड़ी मुड़ती नहीं है, तो यहाँ पर बहुत परेशानी आती है। तो आज मैं बताऊँगा ऐसे मोड़ पर आप गाड़ी किस हिसाब से मोड़ सकते हैं जहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस ऐसी जगह पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमें गाड़ी मोड़ने में, तो आज मैं अंदर से आपको बैठ के पूरी तरीके से बताऊंगा भाई आपको कितना टायर कितने भार रखना होगा और किस हिसाब से कितनी जगह में आपको गाड़ी मोड़ लेगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आपकी गाड़ी जैसी मोड़े बिल्कुल सीधी हो जाए। तो आपको मैंने जगह दिखा दी भाई कितनी कम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जगह है इस तरफ दीवार है, इस तरफ नाली है और यहाँ जगह कम है, तो यहाँ पर अब मैं मोड़ता हूँ, इसके बाद मैं सीधे आपको बताता हूँ। तो गाइस अब चलते हैं सीधे आगे के लिए, देख लीजिए यहाँ पर कितनी कम जगह है। अब प्लस इधर से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एक ये भी प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं चलता भाई कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। और ऐसे टाइम में अगर कोई गाड़ी उधर से आती हो ना, तो नए ड्राइवर के तो तोड़ जाएंगे कि भाई कैसे अब वहाँ से निकालूँ, ये उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको अपना ORVM इस हिसाब से सेट कर लें कि आपको एकदम पीछे से आराम से दिखते रहे। जैसे मुझे नीचे का टायर दिख रहा है आराम से कि वो टायर किधर जाएगा, ऐसे ही मुझे इधर से भी दिख रहा है कि ये वाला टायर किस साइड के लिए जा रहा है। तो इस हिसाब से अपने ORVM सेट कर लो, ये भी सेट कर लो, क्योंकि गाँव की गलियों में क्या होता है एक तो एकदम बच्चे आ जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी बच्चे यहाँ खड़े हैं, वहाँ वो मोड़ पर खड़े बच्चे एकदम भाग के आ जाते हैं। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर अपनी गाड़ी के लिए चलाना, तो भाई यहाँ पर जैसे कि मैं पहुँचा तो यहाँ मुझे अपनी गाड़ी इस साइड से दबा के नहीं लेना है, ठीक है, मुझे अपनी गाड़ी इधर से लेना है इस साइड पे, ताकि ये वाला हिस्सा मेरा इधर को रहेगा, जब मैं गाड़ी मोड़ूँ तो वो वाला टायर जो है मेरा नाली में नहीं जाएगा, ऊपर के लिए आ जाएगा आराम से रोड पर। तो गाइस कैसे करना, तो सबसे पहले मुझे अपने स्टीयरिंग के लिए इधर को काटना है, इस साइड पर आप देख रहे हैं गाड़ी बिल्कुल मैंने सीधी ली, और सीधे लेने के बाद में यहाँ पर मैंने इतना गैप छोड़ दिया, और ये गैप छोड़ दिया तो मुझे अपना स्टीयरिंग एक बार में ऐसे नहीं काटना है, मुझे कैसे काटना है देखो, मैंने यहाँ से चलाई गाड़ी तो मुझे हल्के हल्के काटना है, पूरा एक ही बार में टर्न नहीं करना है। जैसे मैंने धीरे धीरे यहाँ काटा, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती रही और वैसे वैसे मैं गाड़ी के लिए मोड़ता रहा, और यहाँ पर जैसे ही मैंने गाड़ी सीधे मोड़ ली गाइस आराम से निकल गई, आप देख सकते हैं गैप में आराम से मैं पीछे देखते रहा। मैं यहीं से इसी मोड़ पर आपको फिर से गाड़ी बैक करके दिखाता हूँ कैसे। ORVM मैंने अपना सेट कर लिया बढ़िया करके, और मुझे टायर के लिए पीछे करना है इस हिसाब से, जैसे टायर को मैंने स्टीयरिंग बिल्कुल नहीं छेड़ा है ना ही टायर, जैसे मैंने गाड़ी सीधी करी थी वैसे ही अपना स्टीयरिंग छोड़ दिया। अब जैसे जैसे गाड़ी पीछे जाती रहेगी, आप देखो अब पीछे भी गाड़ी खड़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं पीछे गाड़ी खड़ी है, और जैसे जैसे मेरी गाड़ी पीछे जाती रहेगी मुझे हल्के हल्के स्टीयरिंग के लिए ऐसे करना है, ताकि मुड़ने से पहले एकदम इस हिसाब से लेना स्टीयरिंग को काट के, और आराम से गाड़ी यहीं से मैं बैक ले लूँगा। देखो यहीं से मैंने ऐसे करा और इधर करा, अब फिर स्टीयरिंग को हल्का सा सीधा करना ऐसे, ताकि गाड़ी जो पूरे आराम से मुड़ जाए। देखो यहाँ पर गाड़ी जो है वहाँ कितना कम गैप आ रहा है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे स्टीयरिंग में देखता रहा है मैं, और देखो गाड़ी ORVM में देखो आप कितनी चिपट के गाड़ी मैंने बैक करी है, यहाँ से आराम से गाड़ी जो है निकाल दी। मैं अभी आपको उतर के दिखाता हूँ, ठीक है, बाहर से दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से गाड़ी बैक ली थी और वहाँ गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने किस हिसाब से बैक करी थी यहाँ से कि बिल्कुल चिपट से उसके बराबर से निकली। देखो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप कितना गैप बचा, और यहाँ मैंने बैक मोड़ी है इस प्रकार से। भाई जो अच्छे ड्राइवर हैं वो ही कर पाते हैं ऐसे मोड़ पर गाड़ी बैक, वरना और लोग क्या होते हैं जैसे गाड़ी बैक करते हैं यहाँ से, या तो दीवार में मार देते या गाड़ी में मार देते। मैंने इस हिसाब से गाड़ी मोड़ी कि गाड़ी भी आराम से मुड़ गई, ये भी हो गई, मैं इस हिसाब से वापस आगे मुड़ सकता हूँ। अब चलते हैं दूसरे मोड़ पर, तो गाड़ी बराबर से निकालूंगा तो लग जाएगी, क्या करना हल्के से गाड़ी के लिए आगे बढ़ाना, उसके बाद पीछे कर देना, गाड़ी जो है यहाँ से आराम से निकल गई, आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने वहाँ से गाड़ी मोड़ी और इधर भी ले आया आराम से, मैंने यहाँ गाड़ी मोड़ दी। अब चलते हैं गाइस आगे वाले मोड़ पे, जहाँ अब इससे भी पतला रोड है वहाँ पर, यानी कि इससे भी कम जगह है यहाँ पर, ठीक है, और बैठते हैं आगे के लिए, अब दूसरी ओर रोड की चलते हैं। तो गाइस अब चलते हैं एक आगे मोड़ और है, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा कम रास्ता, वहाँ से मैं आपको गाड़ी निकाल के दिखाता हूँ। भाई मैं दिखाता हूँ कि कैसे, जैसे मैं यहाँ एक बार आपको और दिखा दे रहा हूँ, स्टीयरिंग को मैंने बिल्कुल सीधा रखा और गाड़ी के लिए ऐसे मोड़ दिया। देखो गाइस कितनी कम जगह बची है, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं आगे की ओर, यहाँ पर कि एक मोड़ और है, वहाँ पे मैं अब आपको आगे से दिखाता हूँ तो वहाँ पर गाड़ी कैसे मोड़नी होगी। चलते रहना यहाँ पर, ये तो सही है नॉर्मल,
और इसके आगे ये है वो ये वाला, यह देख सकते हैं आप गाइस आगे के लिए वो ये वाला मोड़ है। यहाँ पर वही सीन, इससे कम जगह है यहाँ पर और जगह भी कम है। यहाँ पर गाड़ी कैसे मोड़ते हैं मैं आपको बताऊँगा गाइस। अब देखो मैं यहाँ पर मोड़ता हूँ और वहाँ से पहले वाले से जगह इसमें कम भी है और यहाँ पर मोड़ने में और ज़्यादा कठिनाई आती है। तो मुझे यहाँ पर कैसे मोड़ना है गाइस, इस साइड पे अपनी गाड़ी दबा के नहीं निकालना, मुझे इस वाली साइड से, यानी कि मुझे अपने इस वाली साइड को बचा के निकालना। ये अपने आप इधर वाला अपने आप निकल जाएगा अगर आपने इधर का गैप कर लिया। देखो मैं बंद गियर डाला, उसके बाद में मैंने गाड़ी के लिए इधर को करा, ठीक है। सबसे पहले अपना स्टीयरिंग इधर के लिए काटा और फिर आप देखना स्टीयरिंग में इधर को काटूंगा आराम से, ताकि जो मेरी गाड़ी है आराम से निकल जाए यहाँ पर। अब मैंने जो स्टीयरिंग इस टाइम बिल्कुल सीधे इसके लिए इधर को है। अब जैसी जैसी मोड़ इधर को आते रहेगा तो मुझे हल्का हल्का स्टीयरिंग इधर को काटना है। देखो अब ये हल्का हल्का स्टीयरिंग यहाँ पर मैंने इधर को काटा और ये आप देख सकते हैं पीछे गैप जो है, दीवार जो है मिलने वाली है गाड़ी से। तो बस इस हिसाब से निकालना कि यहाँ से आराम से निकल जाएगा, गाड़ी भी टच नहीं होगी। और जो नए ड्राइवर होते हैं वो यही गलती कर जाते हैं, यहाँ टच दीवार से कर देते हैं। तो बस मुझे यही चीज़ देखते हुए निकालना है। मैंने अपने ORVM सेट कर लिया था। देखो ORVM में आप देख सकते हैं कितनी कम जगह बची है। अब यहाँ पर मुझे अपने, अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे गाड़ी ऐसे ऐसे में आ जाएगी तो यहाँ पर अपने स्टीयरिंग के लिए बिल्कुल सीधा कर देना है। यहाँ पर हल्के हल्के सीधा, मतलब बिल्कुल नहीं, हल्का हल्का सीधा करते रहना साथ साथ में, ताकि भाई देखो वहाँ से निकल गई और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे ही आप गलियों में, मोहल्लों में, ऐसे कोई सी गली हो वहाँ से आप आराम से अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं गाइस। तो गाइस आज हमने आपको बताया था कि मोड़ों पे गाड़ी कैसे निकाली जाती है। जहाँ 90 डिग्री से कम का मोड़ होता है भाई, तो वहाँ पर बहुत आराम से और दिमाग से अपनी गाड़ी को मोड़ पे निकालना, जैसे कि मैंने आज आपको गाड़ी मोड़ पे निकाल के दिखाई थी। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपको कभी भी गाड़ी मोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और गाइस अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेरी वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो या समझ में आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।